नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। गर्मी के मौसम में घर में हो या बाहर, मौसम इतना गर्म होता है कि खुद ब खुद प्यास लगती है, कितना भी पानी पी ले मन ही नहीं भरता। वहीं इसके उल्टा होता है सर्दियों में, हमें प्यास ही नहीं लगती, हम एकदम से कम पानी पीने लगते हैं। इस वजह से हमारा शरीर डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। सर्दियों में शरीर को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन ठंडे मौसम के कारण हम ज़्यादा पानी पीते नहीं हैं, जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी होने लगती है। कम पानी पीने से शरीर को कई तरह के नुकसान होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी वजह से आपको दूसरी तरह की हेल्थ संबंधित दिक्कतें भी शुरू हो जाती हैं। पानी शरीर को हाइड्रेट रखता है, साथ ही यह शरीर को डिटॉक्स करने का भी काम करता है। शरीर में पानी की कमी होने से कई दूसरी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं हम आज इस वीडियो में कि सर्दियों में कम पानी पीने से क्या नुकसान होते हैं। कॉन्स्टिपेशन की परेशानी। शरीर में जैसे ही पानी की कमी होती है, वैसे ही पेट से जुड़ी दिक्कतें आप पर हावी हो जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन के ज़्यादातर केसेस में पानी की कमी की वजह से यह दिक्कत होती है। पानी इसलिए पीते हैं ताकि खाना अच्छी तरीके से पच जाए। खाने को पचाने के लिए एक ज़रूरी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अगर पानी सही मात्रा में शरीर में ना पहुँचे तो फिर खाना पचाने में भी दिक्कत होगी, और जब खाना नहीं पचेगा तो आपको पेट संबंधित दिक्कतें शुरू होंगी। ड्राई स्किन। सर्दियों में ड्राई स्किन काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कम पानी पीना। कम पानी पीने के कारण स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और जिससे रैशेज होने लगते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी बात, सर्दियों में 5 से 7 ग्लास पानी ज़रूर से ज़रूर पीना चाहिए। किडनी पर पड़ता है असर। कम पानी पीने की वजह से किडनी पर गंभीर असर पड़ता है, साथ ही किडनी में स्टोन होने का डर भी बढ़ जाता है। किडनी ठीक से काम करे, इसके लिए पानी बेहद ज़रूरी है। जब शरीर में पानी की कमी होने लगती है तो किडनी को ज़्यादा दम लगाकर काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या जलन की शिकायत होती है। एक दिन में इतना पानी पीना चाहिए। पूरे दिन सेहतमंद और तरोताज़ा रहने के लिए एक दिन में 8 ग्लास पानी पीना ज़रूरी है। कई लोग इससे ज़्यादा पानी पीते हैं, क्योंकि सबके शरीर की अलग अलग बनावट होती है और उसी हिसाब से पानी भी पीते हैं। गिलास से पानी पीने के लिए इसलिए कहा जाता है ताकि आपको याद रहे कि आपने अब तक कितने ग्लास पानी पिया है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि एक सही मात्रा में पानी शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।